गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो हमारा प्लान है पोंटा जाने का, पता ही आपको, पिछले ब्लॉग में मैंने बता दिया है। तो अभी टाइम हो गया है 8 बज के, तो निकलते हैं 8:30 तक, नहाते हैं धोते हैं, फटाफट कपड़े पहनते और चलते हैं, क्योंकि 9 बजे तक मम्मी का फ़ोन आ गया था। मम्मी ने बोला 9 बजे तक पहुँचना ज़रूर है, 9 बजे फिक्स टाइम, जल्दी आ जाना। इसलिए चलते हैं फटाफट, तैयार होते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे, फिर मम्मी से डांट पड़ेगी, मूड ख़राब हो जाएगा पूरे दिन का, इसलिए। तो गाइस, हम हो गए तैयार, तो अब चलते हैं फटाफट। गाड़ी की चाबी कहाँ गई? जेब में है। रुक, चल। तो गाइस, अब चलते हैं, आपसे पोंटा में मिलेंगे, क्योंकि हमें जल्दी जाना, रास्ते में ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं होगी, जहाँ जहाँ होगी मैं कर लूँगा खुद। भाई ये देखो हमारी कॉलोनी पूरी धुंध हो रखी इस टाइम, ऊपर है सूरज, आराम आराम से हटेगी धुंध, और उधर गांव साइड तो हट गई थी धुंध, पर यहाँ नहीं हटी। भाई जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए टाइम पे पहुँचे, 9 बजे से पहले ही पहुँच गए, 8:45 पे ही पहुँच गए, लेकिन जहाँ जाना था टाइल्स वगैरह का काम था, उनके घर में कोई एक्सपायर हो गया, फिर वो काम रह गया, अब कह रहे मंडे को होगा, नाश्ता भी नहीं करा। मम्मी कह रहे अब रुक जाओ, नाश्ता तो करके जाइयो, इसलिए अब घर चलते हैं, नाश्ता वगैरह करके फिर थोड़ी देर में चलेंगे। भाई देख लो, बहुत दिनों बाद आज फुलके पराठे भी आए, एक और राजमा और चटनी, और देखो इधर भी खा रहे, कैसा लग रहा? एक नंबर भाई, डब्बे वाले। चल ब्रश करके आ जा, फिर खा लिए, चल। गजब बेइज्जती है भाई। हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, थोड़ी सी करेंगे शॉपिंग, फिर दोबारा आएंगे घर, फिर यहाँ से थोड़ा सामान लेना वो लेंगे, फिर चलेंगे अपने घर, और हम देख लो इस वाले रास्ते को जा रहे, क्योंकि यहाँ मम्मी का ऑफिस भी था, इसलिए मम्मी को छोड़ते भी जा रहे हैं, नहीं तो हम परले वाले रास्ते को जाएंगे, आएंगे परे कोई जा इस रोड पूरे, फिर वहाँ जाते, फिर यहाँ से वापस आते। भाई देख लो ये हमारा कोटा, वो देखो हमारा कोटा, बाद में आऊँगा किसी दिन, फिलहाल तो यहाँ रहता ही नहीं मैं, जो राशन खाऊंगा, राशन तो मैं अपनी नानी और को खा रहा, बेशक राशन मेरा यहाँ मेरे मम्मी और ही ले रहे, पर खा तो मैं वहीं रहा। भैया हम आगे विशाल मेगा मार्ट, ये भी हमारे साथ है, और देखो आगे विशाल, अब चलते अंदर शॉपिंग, सारा खरीद लेंगे। 39 वाले माल पर चले यार, 39 के तो बच्चों के यहाँ बच्चों के ऊपर लेके नहीं आता, कौन से ऊपर नाम करवाना था अपने, इसको नाम करा लेंगे बहुत जल्द अपने नाम, हम विशाल मेगा मार्ट को। ओ भाई खाने वाले माल पर चल पहले तो तू, मस्त होगा भाई अब तो, वो फेस वॉश ले गोरे हो जाएंगे, देखो धमका फेस वॉश देखिए, ये तो क्रीम में है, फेस वॉश तो हिमालय ही लगा मैं ना यार, ये वाला फेस वॉश भी अच्छा है, ये देखते हैं कितने का है, वो 99 का है, ये इतना महंगा नहीं होना, इतना गोरा नहीं होना हमने। भाई खतरनाक सीन हो रहा पूरे विशाल मेगा मार्ट में, सिर्फ हम दोनों ही घूम रहे, कोई भी नहीं, सबसे पहले हमारे विशाल मेगा मार्ट अभी खुला ही खुला है, हम सबसे पहले आ गए सामान देखने लग गए, आज गल्ले में हम ही डालेंगे सबसे पहले पैसे। हाँ मेरे को लग रहा बोनी हम ही कराऊंगे आज इनकी। अरे वो कह रहा था मैं, वो बैग वो देखो रहा, ये वाला बैग कह रहा था मैं ऊपर, ये वाला जिम के लिए, हाँ जिम वगैरह के लिए, वो डमरू सा आ जाएगा मेरा इसमें स्पीकर सा है ना। भाई देख लो ये पजामा बॉय, और ये पजामों की कलेक्शन में अपने एक और पजामा जोड़ने जा रहे हैं, एक और पजामा लेंगे। हाँ और ये देखो ये पजामा इसने अभी लिया है, तो 3 दिन ही हुए, और ये एक और पजामा लेने की फिरात में है, ये वो बालू से भी रखे हुए हैं, क्या बोले ना टैडी भी है, ओ यस अच्छा लग रहा, ये बढ़िया लग रहा है, ये भी बढ़िया लग रहे, टैडी भी कितने का होगा यार, ये वाला अच्छा लग रहा, कितने का होगा ये देखते हैं, एक मिनट कहाँ है तेरे रेट तो बता दे, लगता ये रहा लिखा रेट इसका, क्या रेट है इसका भाई? 1000 रुपये का ये, कसम खा कह रहा, अगर मेरे को 1000 रुपये तुझे ले चलता कर, तब तक यहीं रहिए, जब मैं 1000 रुपये ले जाऊँगा तेरे को लेके जाऊँगा, ठीक है, हेलो कर दे, हेलो बस ठीक है भाई। ट्रायल रूम आ गए, पर सबसे पहले एक बात देखनी पड़ती है, हमें कैमरा कूमरा तो लगावा, कहीं हमारी वीडियो बड़ी पड़ जाए, नहीं बढ़ा, ले भाई कर ले अपने पजामे ट्राई, 3 पजामे ट्राई करने जा रहे हैं, तो आइए आप कर लीजिए, हम बाहर तक तो ब्लॉगिंग करके आते हैं, चलो ज़्यादा मैं जा कर आता हूँ, ठीक है मस्त है यहाँ पर, हम ही आ रखे यार सबसे पहले, यहाँ एक चीज़ देखी थी यार मैंने ना,
गई कहाँ चीज़, वो रही। सिंगापुर इम्पोर्टेड प्रीमियम क्वालिटीज, हमारे गांव से बना हुआ है कंबल, आप इसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नाम ले, आपको 100-200 रुपये और सस्ता मिल जाएगा, ठीक है? आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। हाँ, जब मैं पहले विशाल मेगा मार्ट में था, सबसे पहले यहाँ आता था, यहाँ हाय हाय क्या इसको तुम्हारा गोली, इतना दिमाग ही नहीं मारे में। ये ट्रेन ली थी मैंने, तोड़ दी, ठीक है? जो ब्लॉक से लिए थे वो भी तोड़ दिए। बिजनेस, हाँ मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, पर मेरे को बिजनेस करने का कोई शौक नहीं है, घर घर मैं नहीं लेता है वो। और गाड़ियाँ ली तो रहने दो, टैंक मेले में तो लेंगे हम, यहाँ तो लेते मेले वाले ज़्यादा चलने कसम से। गाड़ियाँ अच्छी हैं यार, हाँ ठीक है वैसे। ओ जिम का सामान, ये तो दिव्यांश के काम आएगा, उसे जिम के सामान बहुत पसंद है, वही लेगा। तो बॉल्स मुझे पसंद है, बैग बुक हमारे पे होनी है, हमारे पे बैग बतेरे हैं। चलो बॉल्स तकिए भी हैं, वाह चलते हैं दिव्यांश के पास देखते हैं। सो कोई पजामा पसंद आया नहीं आया, वैसे वो पजामों में ना बहुत टाइम लगाएगा, बहुत टाइम, मैंने उसे गलत बताया कि वहाँ पजामे भी हैं, बहुत टाइम लगाएगा वो चेंज करने में। कहाँ गया ट्रायल रूम, आगे होना, हाँ ये रहा अंदर अभी। भाई उस में तो तब के लगे हुए, जब तक विशाल मेगा मार्ट बना हुआ, देखे धूल जम रही इन पे, धूल जम रही, देखिए ये तो तब की अंदर क्या है, खुलेगा भी नहीं क्या, बंद पड़ा, जाम हो गया है, मैं बोल तो रहा तब के नहीं पड़े। ओ यहाँ पे भी शीशा है भाई, पसंद आया नहीं आया भाई? पसंद आ गया ये वाला, बढ़िया, दिखा दे, दिस इज गुड मैन। कितने का है देख तो ले, मात्र 300 रुपये। चलो इतने ही ले मैं भाई, बड़ी मुश्किल थे, इसने पजामा पसंद करा एक। अरे चलते हैं नीचे, नीचे थोड़ा सामान लेते हैं, ये देखो ये हुआ है, प्रेस पुश करने का, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं इसकी ज़रूरत, हम तो बेड पर चादर बिछा के कर लें प्रेस। भाई हमने ले लिया एक सॉस की बोतल, और अब चलते हैं बिलिंग कराने, हमारा बस इतना ही काम था, और हमें कुछ पसंद नहीं आया ज़्यादा, इसलिए अब कराते हैं बिलिंग। भाई बिलिंग भी होगी, अब चलते हैं नानी के घर वापस, मास्क लगा ले फिर वीर, यहाँ पे 5,000 का चलाना है मास्क का, जिन्ने मास्क नहीं लगाया 5,000 का, 461 रुपये का तो सामान लिया हमने, 5,000 रुपये कहाँ से दे देंगे। चलो फिर चलते हैं अब। भैया हरी पर ग्राउंड, यहाँ पे हुआ था वो टिकैत वाला, जो किसान आंदोलन वाला, राकेश टिकैत वाला प्रोग्राम हुआ था ना, जो यहीं हुआ था, वो काफ़ी भीड़ हुई थी भाई। अब यहाँ पर स्टेडियम बनेगा, अब यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, वो तो अभी टाइम लगेगा स्टेडियम बनने में, तो लग जाएंगे पाँच छः साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि अभी तो खुदाई चल रही बहुत, अभी पहले घास वगैरह होगी, फिर नापेंगे, फिर करेंगे। चलो देखते हैं कब तक बनता है, होएंगे IPL होएंगे फिर यहाँ। ओ IPL भाई, पूरे यहाँ विराट कोहली यहीं बैठ, विराट कोहली फ्लैट लेगा यहाँ अपना लग रहा मुझे भी। भाई हम आगे अपने घर वापिस, और आते ही दिव्यांश को पड़ गई डांट कि तू लेने कॉफ़ी और फेस वॉश गया था, और लेके आ गया तू पजामे, बस डांट पड़ रही और क्या। चलो चाय चुए पीते हैं यार, नींद आ रही, नहीं तो चाय पी के कम से कम ठीक तो रहेंगे। वो देखो पड़ रही डांट, वो देखो पड़ रही डांट। भैया हम धोते हैं गाड़ी, चलो फिर फटाफट गाड़ी धोगे फिर खाएंगे खाना, पहले गाड़ी धो लेते हैं, नहीं तो पानी चल जाएगा। हम खाएंगे खिचड़ी, चटनी डाल के, वो भी लस्सी के गिलास, वो भी देसी स्टाइल में। भाई खाना खुना खा लिया, अब चल रहे खेत में बरसीन लेने, ये हम आगे घास लेके, यहाँ गर्दन जी में दर्द होगी थोड़ी सी। चाय पीते हैं अब, चाय का टाइम होगा, 4 बजने वाले, चाय बन गई, पीते हैं फिर चलते हैं थोड़ी देर ऊपर आराम करेंगे, नींद सी प्यारी थोड़ी देखें, सो ही जाएंगे फिर उठेंगे आराम से। खाएंगे अब ब्रेड और बटर, 4 बज के हमने सोचा कुछ खा ही लेते, इसलिए ब्रेड और बटर गरम करके और खा लेते हैं, सब भूख लग रही बहुत, तो चलिए शुरू करते हैं। चाय आ रही भी हमारी अंदर से। तो गाइस ब्रेड बटर हमने खा लिए, मजा आया, कसम से पेट भर गया, बहुत दर्द थे ना, होड़ पड़ रहे थे पेट में कि यार कुछ खा ले, पेट कह रहा था कुछ खा ले, फिर मेरे को दिखे ब्रेड और बटर, गरम करे ब्रेड लगाया, खा गए, चाय भी पी ली, अब बैठते हैं थोड़ी देर फिर करते हैं बात। तो भाई अब हम खाते हैं रोटी, तो सारे तो ऊपर चल गए, मैं हो गया लेट आज, इसलिए मैं खुद ही गर्म कर लूँगा, खुद ही ले लूँगा, सब ने खा ली भी, मैं हो गया लेट, क्योंकि मैं जो पीछे आज का व्लॉग बना उसकी क्लिप्स एडिट कर रहा था थोड़ी, तो
तो कोई बात नहीं, खुद ले लेते हैं, खाते हैं फिर चलते ऊपर, रोज के जैसे हीटर सेकेंगे। खाना हो गया, मजा आ गया खा के, अब बैठते हैं हीटर सेकते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थक गए हम, और ये देखो ये 3 घंटे से एक ही पिक्चर देख रहा, वो है पुष्पा राज। ये करता तू भी देख ले, मका तू देख ले, फिर मैं अब देखूँगा तेरे फ़ोन में, देख लूँगा कि मेरे फ़ोन में तो स्पेस नहीं है कि ये मुझे दे सके, इसलिए मैं इसी के फ़ोन में देख लूँगा, देख के रिव्यू देंगे कल कि कैसी लगी मुझे भी पिक्चर। कह तो रहा भाई अच्छी है, बाहुबली 2 के बाद यही पिक्चर है जो है, चल देखते हैं अभी कैसी पिक्चर है। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं एंड, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गुड बाय, गुड नाइट।